एक बड़ा अच्छा उनका वेलकम भी देखा, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का विजिट आपको अब तक लगा? देखिए, श्रीलंका के साथ हमारे ताल्लुकात तो बहुत अच्छे रहे हैं, बायलैटरल ताल्लुकात हमारे बहुत ही अच्छे रहे हैं। और ये एतराफ़ करते हैं कि जब ये मुश्किल में थे, जब दहशतगर्दी यहाँ अरूज पे थी, तो कोई मुल्क इनके साथ खड़ा हुआ था तो पाकिस्तान, और इन्हें कामयाबी हुई और इन्होंने दहशतगर्दी को शिकस्त दी, और उसका सेहरा वो पाकिस्तान के साथ शेयर करते हैं कि पाकिस्तान की इमदाद के बगैर ये मुमकिन ना होता। अब हमारी मुसलसल कुछ अरसे से इंगेजमेंट्स इनके साथ रही हैं, पॉलिटिकल कंसल्टेशन रही है। मैं यहाँ दिसंबर 2019 में आया था, जब ये हकूमत मार्ज़े वजूद में आई थी, तो एक इंटरेक्शन इनसे हम बढ़ाते चले जा रहे हैं। इंटरनेशनल फोरम्स पर, यूएन पर हमारी कोऑपरेशन बहुत उम्दा है, ह्यूमन राइट्स काउंसिल में हमारी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी है। अभी भी इनकी कुछ ख्वाहिशात का इजहार किया और पाकिस्तान ने तावन का इन्हें यकीन दिलाया है। अब हमारी कोशिश ये है कि क्योंकि अब हम इकोनॉमिक सिक्योरिटी की तरफ फोकस कर रही हैं, और हमारा जो शिफ्ट है वो है जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ, तो हम श्रीलंका के साथ जो हमारा इकोनॉमिक बेस है उसको वसत दें। हमारी बायलैटरल ट्रेड जो है महदूद है। मेरी नज़र में सबसे पहला जो FTA किसी मुल्क के साथ हमने किया था वो श्रीलंका के साथ किया था, लेकिन उसके बावजूद हमारी बायलैटरल ट्रेड उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो इस ट्रिप पर एक तो हमारा ये एक्सचेंज हुआ है और तबादला ख्याल कल भी होगा, बिजनेस काउंसिल की मीटिंग भी होगी, कि हमने अपनी इकोनॉमिक कनेक्टिविटी को और ट्रेड को कैसे बढ़ाना है, हमने इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट कैसे करना है, टूरिज्म इनका तजर्बा भी बना है, और तकरीबन 62% इनकी जो पॉपुलेशन है वो बुद्धिस्ट है, और हमारी गंधारा सिविलाइजेशन जो आप यहाँ देख रहे हैं, जो हमने एग्जीबिशन यहाँ ऑर्गेनाइज़ की है, वो है जिसे कहते हैं ना, इनका दिल है अपना बुद्ध सिविलाइजेशन का, तो बहुत अट्रैक्शन पैदा हो सकती है पाकिस्तान के लिए, इनके लिए रिलीजियस टूरिज़म। और फिर इनका मौसम तो यकसा है, सारा साल एक मौसम रहता है, हमारे यहाँ डाइवर्सिटी बेपना है, इनके पास समंदर है, हमारे पास खूबसूरत पहाड़ हैं, और ये तरसते हैं पहाड़ों के लिए, स्नोफॉल के लिए, तो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ बहुत अट्रैक्टिव हैं। तो एक हमारी जो और इंगेजमेंट इनके साथ होनी है वो किस तरह हम टूरिज़्म को प्रमोट कर सकते हैं, ट्रेड को प्रमोट कर सकते हैं, टूरिज़्म को प्रमोट कर सकते हैं, और फिर डिफेंस लेवल पे कोऑपरेशन। हमने आपके इल्म में है कि एक 15 मिलियन डॉलर्स की एक क्रेडिट लाइन ऑफर की है, जिससे कि हमारी जो इनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, प्रोक्योरमेंट्स, वो भी पूरी होंगी। ट्रेनिंग है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं, और काउंटर टेररिज्म में, इंटेलिजेंस शेयरिंग में, क्योंकि टेररिज्म इज़ अ चैलेंज जो अभी बरकरार है, और इस पे हमारी कोऑपरेशन रही है, तो उसको हमने आगे बेहतर कैसे करना है। इसके साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, तालीम में इनकी खानगी का लेवल बहुत अच्छा है, लेकिन मेडिसिन में और मेडिकल एजुकेशन में पाकिस्तान की बहुत मदद कर सकता है। हमने इन्हें 100 स्कॉलरशिप्स मज़ीद देने का फैसला किया है इन द टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, और हमारा इससे जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का जो इंटरेक्शन है वो भी बढ़ेगा। और बहुत से इम्कानात हैं जिस पर हम गुफ्तगुशुनीद कर रहे हैं, वज़ीर ख़ारजा से एक और नशिस्त होगी, और हम देखेंगे कि इस रीजन में सार्क को हम किस तरह ज़्यादा फाल कर सकते हैं, और सार्क में हम आपस में अपनी कोऑर्डिनेशन में किस तरह बेहतरी ला सकते हैं। फिर रीजन की सिचुएशन है, उस पर भी तबादला ख्याल होगा। तो ऑन द होल हमने यहाँ एक जिसे कहते हैं ना, एक कल्चरल सेंटर, इनकी जो सबसे पुरानी और कदीमी यूनिवर्सिटी है कैंडी में, वहाँ हमने खोलने का फैसला किया है। स्पोर्ट्स के मैदान में हम इनकी मदद कर रहे हैं, और इसके साथ साथ कोविड कोऑपरेशन में भी हम इनके साथ तावन का इरादा रखते हैं,
और इंशाल्लाह कुछ ऐसी चीज़ें जो पाकिस्तान में हमने डेवलप की हैं, मैन्युफैक्चर की हैं, तो वो हम इनसे शेयर भी करेंगे और उनको बतौर कंसिस्टेंस प्रोवाइड भी करेंगे। तो एक मल्टी फैसेटेड हमारी ये इंटरेक्शन था और मैं समझता हूँ कि जो वज़राए आज़म के दरमियान जो वन ऑन वन मीटिंग हुई है और फिर हमारी डेलीगेशन लेवल टॉक्स हुई हैं बहुत मुफीद रही हैं, बड़ी जामे थी और मज़ीद